पंजाब के जिला फिरोजपुर से है, जहां 15 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। जी हां, खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर थाना मक्खू क्षेत्र से है, जहां कोरोना बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब सरकार ने नए क्या आदेश जारी किया है, देखिए मक्खू से मंगल सिंह की इस रिपोर्ट में। पंजाब सरकार के नवे आदेश आ चुके हैं। कोरोना वायरस केस वाधे कारण 15 मई तक हम लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया गया है। 15 मई तक बिल्कुल हम बाजार बंद रहा करेगा। कुछ दातां मिली ने बाजार में, जो कि डेयरी दुकाना है, डॉक्टर की दुकाना है, वो दुकाना खुले रहनगिया। उस तो अलावा बाकी बाजार तकरीबन बंद रहेगा। नवी दाता की दस दिन आने बारे चीज़ा आने बारे समय किराने दियाँ कपड़े दियाँ दुकाना किमें खुलनगियाँ किस तरह होगा उन्हें अभी सूचना कोई नहीं मिली। उन्हें दसिए जी बस कार की गल करिए, कार में सिर्फ दो बंदे बैठ सकते हैं, इस अलावा कोई नहीं बैठ सकता। गल करिए मोटरसाइकिल दो पहिए की, उन्हें सिर्फ एक बंदा ही बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते। दो बंदे बैठने उन्होंने चलान होएगा, पर जे अगर गास गल गई है एक किसी घर का जी परिवारिक मैंबर है वा, वह उन्होंने बिल्कुल बैठ सकता, जा सकता बाहर अंदर रहता। जे पंजाब तो कोई बाहरों बंदा भी आता पंजाब एंट्री करता है, उन्हें कोरोना वायरस की जी रिपोर्ट हैगी 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आनी जी दिखानी बहुत जरूरी है। जब उन्होंने 15 दिन पहला कोई वायरस नहीं टीका है इंजैक्शन लगवाया हो तो उन्होंने पंजाब के अंदर आने छोट मिलेगा। जी है विह शादियों बारे गल है, 10 बंदे का वो वो प्रबंध नहीं है, 10 बंदे की मंजूरी वादी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम है इकट्ठ कोई भी नहीं कर सकता, कोई जो भी इकट्ठ वगैरह करता है सियासी इकट्ठ करता है उन्होंने 5 दिन वास्ते ही एकातवास छड़ा जाएगा। जी मेन मुद्दे की गल है, अगर बाजार की करिए बाजार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, सिर्फ डॉक्टर दुकाना मेडिकल हॉस्पिटल लैबोरेटरी वगैरह वो खुलन गए, या फिर ना दुध ही है सब्जी का कम है वो खुलन गए, उस अलावा किसी को छूट नहीं मिलेगी। तो इस करके कोरोना वायरस वाधे केसों देखते हुए सरकार ने दातां नवी जारी करती ने। 15 तरीक तक लॉकडाउन तो नहीं कह सकते अपना, पर लॉकडाउन वांग ही कर दिया गया है, कुछ दुकाना खुलनियाँ कुछ नहीं खुलनियाँ। इस अलावा ऑनलाइन समय की नवी अपडेट आती है तुम जल्दी जानकारी देवे। कैमरामैन लवश कुमार के नाल मंगल सिंह मक्खू, फास्ट न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट।